हेलो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली कल मेरे चैनल पर मुझे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिली हैं। अगर विद इन 3 मंथ्स एक और स्ट्राइक आती है तो ये चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो सकता है। तो उस सिनेरियो से डील करने के लिए मैंने एक और बैकअप चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस लिंक पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर ये चैनल बंद हो जाता है तो मैं आपको पेंटहाउस और बाकी ड्रामास की स्टोरी वीडियो दूसरे चैनल पर प्रोवाइड करवा सकूं। तब तक के लिए हम इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, पर फिर भी हमारे रेगुलर इंटरेक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लोगन का इस्तेमाल करके चोनसोजिन और जू दांते अपने एक ही वार में सूर्योन, युनचुल और मिस्टर बिग से छुटकारा पा लेते हैं। और जिस वक्त लोगन की फैमिली के भेजे हुए गुंडे युनचुल को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, उसी वक्त चोनसोजिन वहां एंट्री करती है और युनचुल के सामने रिवील करती है कि उसे जेल से छुड़ाने और लोगन का इलाज करने के ऑर्डर देने वाली मिस्टीरियस पर्सन वही थी। ये सुनकर युनचुल उसे क्वेश्चन करता है कि एक माँ होने के बावजूद सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए वो उनकी बेटी का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। युनचुल चोनसोजिन से उसके किए हर गलत काम का रिवेंज लेने की बात करता है और चोनसोजिन भी इस लड़ाई को कंटिन्यू रखने की बात करती है अगर युनचुल लोगन की फैमिली के चंगुल से बच जाए तो। लेकिन चोनसोजिन के वहां से जाते ही लोगन के गुंडों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो युनचुल को बड़ी ही रिस्पेक्ट देकर अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वहीं सभी एनिमीज से एक ही बार में पीछा छुड़वाने के बाद चोनसोजिन और जू दांते पेंटहाउस में सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे की बढ़ चढ़ कर तारीफ करते हैं कि कैसे सूर्योन और बाकी सबको ठिकाने लगाने में दोनों ने ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है। और यहाँ तक कि चोनसोजिन के दिए इंजेक्शन की वजह से अब तक तो लोगन की भी डेथ हो चुकी होगी, पर दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि उनका ये डे ड्रीम नाइटमेयर में बदल चुका है, क्योंकि चोनसोजिन की लाख कोशिशें करने के बाद भी लोगन जिंदा होता है। दरअसल लोगन के आदमी सूर्योन को जिस जगह ले जाते हैं लोगन वहां पहले से ही मौजूद होता है। दोनों का इमोशनल रीयूनियन होता है, जिसके कुछ देर बाद ही वहां युनचुल भी पहुंच जाता है और हमारी ही तरह सूर्योन की जबान पर भी यही सवाल होता है कि चोनसोजिन की कैद से लोगन के उस सीक्रेट प्लेस तक पहुंचने के बीच आखिर क्या हुआ होगा। और इन सभी सवालों का जवाब हमें एक फ्लैशबैक सीन में देखने को मिलता है। असल में चोनसोजिन के लोगन को इंजेक्ट करने के बाद लोगन की फिंगर मूव करती है और ये कंफर्म करने के लिए कि लोगन होश में है या नहीं वो उसके पैर पर उबलता हुआ पानी डालती है। पर इस टॉर्चर के बाद भी लोगन बिल्कुल मूव नहीं करता और चोनसोजिन रिलैक्स होकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही लोगन दर्द में तड़पने लगता है कि तभी वहां युनचुल आ जाता है और देखता है कि जो इंजेक्शन चोनसोजिन ने लोगन को दिया है उससे कुछ ही टाइम में उसकी जान चली जाएगी। युनचुल समझदारी दिखाते हुए लोगन को उस इंजेक्शन का एंटीडोट देता है, जिससे फॉर्चुनेटली लोगन की जान बच जाती है। लोगन युनचुल को बताता है कि इन सब के पीछे चोनसोजिन है, साथ ही वो युनचुल से उसके भाई एलेक्स को कांटेक्ट करके आगे के प्लान के लिए तैयार रहने के लिए भी कहता है। उसके बाद चोनसोजिन लोगन को फर्नीचर बॉक्स में छुपाकर पेंटहाउस भिजवा देती है, जिसमें पेंटहाउस की मेड उसकी हेल्प करती है। कुछ वक्त के बाद वो मेड सूर्योन को बहाना बनाकर स्टोरेज रूम में ले जाती है, जहां लोगन होता है। उसी वक्त जुदांते लोगन की फैमिली को लेकर वहां पहुंच जाता है और हंगामा शुरू हो जाता है। उसी शोरगुल का फायदा उठाकर लोगन वेंटिलेटर मशीन का स्विच निकाल देता है, जिससे सबको लगता है कि लोगन की हार्ट बीट बंद हो गई है। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते वक्त लोगन सेक्रेटरी से एलेक्स को कॉल करने के लिए कहता है, साथ ही वो उसे ये भी ऑर्डर देता है कि सूर्योन को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में एलेक्स लोगन को एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है, जहां कुछ वक्त के बाद सूर्योन और युनचुल भी पहुंच जाते हैं। चोनसोजिन और जुदांते की इस हरकत के बाद लोगन बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है और इस बार उनके दुश्मनों के लिए कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। और क्योंकि जुदांते और चोनसोजिन की नजरों में लोगन मर चुका है, तो इसीलिए लोगन एंड टीम डिसाइड करते हैं कि वो इसी नाटक को कंटिन्यू रखेंगे। सूर्योन लोगन को बताती है कि सोक्योंग उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है और ओयुनी को ये सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए जुदांते ने ओयुनी का मर्डर किया है। ये बात सुनते ही लोगन बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है, क्योंकि सूर्योन की असली बेटी को ढूंढने का टास्क उसी ने ओयुनी को दिया था।
पर वो डिसाइड करता है कि अब रिग्रेट का नहीं रिवेंज लेने का वक्त आ गया है और ओयुनी को जस्टिस दिलवाने के लिए एक बार फिर लोगन और सूर्योन टीम अप कर लेते हैं और इस बार योंचुल भी उनकी टीम का हिस्सा होता है। वहीं ऑफिस से घर लौटने के बाद सोकुन देखता है कि जुदांते वापस पेंट हाउस में आ गया है जबकि उसकी माँ सूर्योन का कुछ अता पता नहीं है। सोकुन के पूछने पर जुदांते उसे भी वही घिसी पिटी कहानी सुना देता है कि कैसे मिनसोला का रिवेंज लेने के लिए सूर्योन ने लोगन को किडनैप किया था और उसे टॉर्चर कर रही थी। पर सूर्योन की सेफ्टी के लिए वरिड सोकुन उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद ही लोगन के आदमी उसे सूर्योन के पास ले जाते हैं जहाँ सूर्योन सोकुन को समझाती है कि जब तक सोक्योन का पता नहीं चल जाता तब तक उसे जुदांते के सामने अच्छा बेटा बनने का नाटक कंटिन्यू रखना पड़ेगा और अपनी मदर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सोकुन वैसा ही करता है। वहीं दूसरी तरफ लोगन की ग्रैंड मदर चोन सोजिन और जुदांते को बताती है कि जिस कंपनी के लिए सूर्योन एज अ लॉबिस्ट काम कर रही थी वो असल में लोगन की ही कंपनी थी और क्योंकि जुदांते और चोन सोजिन ने लोगन को ढूंढने में उनकी मदद की थी तो उसी का रिवॉर्ड देने के लिए लोगन की ग्रैंड मदर उस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन राइट जुदांते की कंपनी को दे देते हैं। वहीं राइवल कंपनी की लॉबिस्ट के तौर पर सूर्योन एक बार में एज अ होस्टेस काम करती थी और इसी बात को चोन सोजिन सूर्योन के अगेंस्ट इस्तेमाल करती है। वो चोंगा आर्ट स्कूल में जिसकी सूर्योन अब डायरेक्टर है सूर्योन के अगेंस्ट कंप्लेन कर देती है। इसके अलावा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने सूर्योन को एज अ किडनैपर और मर्डरर प्रेजेंट करती है जिसके बाद सूर्योन के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए बोर्ड कमेटी उसे डायरेक्टर की पोजीशन से डिसमिस कर देती है और चोन सोजिन को नया डायरेक्टर बना दिया जाता है और इस तरह जुदांते और चोन सोजिन की चांदी चांदी हो जाती है। दूसरी तरफ जुदांते के गुंडों से छुपते छुपाते सोक्योंग हेरा पैलेस पहुंच जाती है जहां पहुंचते ही वो जुदांते पर अटैक करने की कोशिश करती है कि तभी दोंगपिल आकर सोक्योंग को रोक लेता है। वो उसे अपने साथ हेरा पैलेस के कम्युनिटी हॉल में ले जाता है जहाँ वो कॉल करके सोकुन को बुला लेता है। सोक्योंग से बात करके सोकुन को पता चल जाता है कि वो अपने बर्थ से जुड़ी सारी सच्चाई जान चुकी है पर सोकुन उसे समझाता है कि इस सच से दोनों के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो आखिरी सांस तक उसकी बहन रहेगी। उसके बाद सोकुन जुदांते की नजरों से बचाकर सोक्योंग को एक सेफ प्लेस पर ले जाता है जहां वो उसे सूर्योन से कॉन्टेक्ट करने के लिए कहता है पर वैसा करने से मना कर देती है। सोकुन उसे समझाता है कि ओयुनी की केस की वजह से मॉम पहले से ही टेंशन में है तो सोक्योंग को उनकी टेंशन और नहीं बढ़ानी चाहिए। ओयुनी का नाम सुनते ही सोक्योंग भड़क जाती है तो सोकुन उसे बताता है कि उसके और सूर्योन के रिश्ते की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हुए ही ओयुनी की जान गई है और मरने के बाद भी उस पर ओनगल की किडनैपिंग का झूठा ब्लेम डाला गया है। ये सच सुनते ही सोक्योंग को याद आ जाता है कि उस साइको हाउसकीपर को ओनगल की लोकेशन बताने वाली वही थी जिसकी वजह से ही ओयुनी उस पूरी मुसीबत में पड़ी थी। अपने एक्शंस पर रिग्रेट करते हुए सोक्योंग सारी सच्चाई सोकुन को बता देती है। वहीं सूर्योन के अचानक गायब हो जाने से मारी काफी परेशान हो जाती है। उसे डर होता है कि जुदांते ने सूर्योन को डरा धमका कर उससे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन राइट्स ले लिए हैं। तभी दोंगपिल मारी के पास आता है और उसे जुदांते के दिए पैसे दिखाकर कोरिया से भाग चलने का ऑफर देता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ एब्रॉड जाकर अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर सके। ये सुनते ही मारी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो उससे पूछती है कि बेरोना की पूरी दुनिया उजाड़ने के बाद वो अपनी नई दुनिया बसाने के बारे में कैसे सोच सकता है। तभी कुछ वक्त के बाद ही एक दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब दोंगपिल हेरा पैलेस की लोबी से गुजर रहा होता है तो वहाँ उसकी मुलाकात बेरोना से होती है जो उसे वापस उसकी फैमिली के पास जाने की एडवाइस देती है। साथ ही वो ऐसा करने के लिए उसे अपनी हेल्प भी ऑफर करती है और बेरोना का स्वीट बिहेवियर देखने के बाद दोंगपिल को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो घर पहुंचते ही मारी को कॉल करता है और ओयुनी के रिवेंज में उसका साथ देने के लिए कहता है जिसके बाद वो कोई भी पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार होता है। उधर सोकुन की बताई सारी सच्चाई सूर्योन को बता देता है जिससे ये तो श्योर हो जाता है कि उस रात ओनबिल को उस हाउसकीपर ने ही किडनैप किया था और सूर्योन एंड टीम का पहला टारगेट अब वो हाउसकीपर ही होती है। योंचुल हाउसकीपर को जाल में फंसा कर किडनैप कर लेता है जहां लोगन उसे इंटेरोगेट करता है कि वो लोगन की हेल्प करने के लिए कोरिया आई थी तो वो जुदांते जैसे घटिया पर्सन के साथ कैसे टीम अप कर सकती है। साथ ही लोगन उस हाउसकीपर से उसकी कार में लगे उस डैशबोर्ड कैमरा के बारे में भी पूछता है जो इंसिडेंट वाली रात ओयुनी चला रही थी और फाइनली उनके हाथ वो कैमरा लग जाता है जिसमें मौजूद वीडियो क्लिप देखकर तीनों समझ जाते हैं कि ओयुनी का मर्डर चोन सोजिन ने किया है और अब वो सूर्योन से छुटकारा पाना चाहती थी। साथ ही जुदांते भी ओयुनी के केस में उतना ही बड़ा क्रिमिनल है जितना कि चोन सोजिन
क्योंकि उसने एक डेड पर्सन के साथ ऐसा बिहेव किया है जैसा कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। उसी वक्त सोक्योंग सूर्योन को कॉल करती है और उसे बताती है कि चोन सोजिन के फादर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि चोन सोजिन ने उन्हें मारा था। ये सब सोक्योंग ने ओनबेल के फोन में मौजूद वीडियो में देखा था और यही सच सूर्योन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होता है। अगले दिन चोन सोजिन की चोंगा आर्ट स्कूल के डायरेक्टर के तौर पर इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है और दूसरी तरफ जुदांते के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की भी ओपनिंग सेरेमनी होती है, जहां उसे उसकी डियर वाइफ चोन सोजिन का वीडियो मैसेज मिलता है। लेकिन वीडियो के बीच में ही जुदांते की लोगन की कार को ब्लास्ट करने का वीडियो प्ले हो जाता है, जिसमें जुदांते की हरकत साफ साफ दिखाई देती है। उधर चोन सोजिन को भी जुदांते की तरफ से एक बड़ी सी पेंटिंग एज अ गिफ्ट रिसीव होती है। उस $450 मिलियन की पेंटिंग को चोन सोजिन सबके सामने शो ऑफ करती है, पर जैसे ही उस एक्सपेंसिव आर्ट पीस से पर्दा हटता है, उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। दरअसल उस पेंटिंग की जगह वहां चोन सोजिन के डेड फादर की बड़ी सी पिक्चर होती है, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है कि चोन सोजिन ने अपने फादर को मारा है। चोन सोजिन सोचती है कि ये सब जुदांते ने किया है। दोनों एक दूसरे से मिलने पहुंचते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं, और इस अमेजिंग से नज़ारे को ऑडियंस ही नहीं बल्कि दूर खड़े लोगन और सूर्योन भी इंजॉय करते हैं। पर ये तो बस एक शुरुआत भर है। आगे आगे लोगन और सूर्योन कैसे दोनों डेवल्स को पनिश करते हैं, आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। टिल देन, लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।